थोड़ा अलग स्टाइल से बना रही हूँ। गोश्त फ्राई चिकन तेल डाला, चिकन फ्राई किया, चिकन बनाया, चिकन फ्राई किया इसमें, फिर चिकन फ्राई हो गया तो इसमें मसाला जो मैं डाला, लहसुन अदरक सब फ्रेश पीस के, लहसुन अदरक हरी मिर्च और सौंफ धनिया प्याज टमाटर सब पीस के डाला, ज़ीरा गरम मसाला, और उसके बाद मैं अच्छी तरह से भी भुनाई करूँगी, फिर इसमें दही डालूँगी, उसको मैं ढक के मीडियम आंच पर पकाऊंगी ताकि ये गल जाए। आने वाले हैं तो आप देख ही रहे होंगे, मैं इन आम कट कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। हम लोग दो आम ले रहे हैं, आप जितना चाहे उतना ले लें, चाहे एक किलो ले, चाहे कितना भी ले सकते हैं। तो मैंने ना दो आम लिए और यहाँ हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है, ये एक लीटर मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है। आप नॉर्मल मिल्क से बना सकते हैं, बट फुल क्रीम मिल्क ना सबका क्रीम क्रीम टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। और ये मैंने दो आम लिए है, इसको मैं मिक्सर में डाल दूँगी और उसका एक पेस्ट बना दूँगी। फारिया जो वीडियो बना रही है कहने लगी कि देखिए कैसा खट्टा सा आम दिख रहा है, और सही कहती है, इस कलर के नाम थोड़े खट्टे खट्टे लगते हैं दिखने में, वो तो बन के बस लेगा खट्टा था कि मीठा। और फालूदा बनाने के लिए विकफील्ड का मैंने फालूदा मैंगो मिक्स ले लिया, ईजीली आपको बाहर मिल जाएगा, दूध बॉयल हो जाएगा, हम उसमें ये आम का पेस्ट और ये फालूदा मिक्स डालेंगे। बॉयल हो गया, आप अपनी आँच को धीमे कर लेंगे और इसमें हमने जो मैंगो का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल देंगे। ये हमारा चिकन ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। फालूदा मिक्स है, ये पूरा पक डाल देंगे और हमें चलाते भी रहना है। इनका उसका फॉर्म मुझे देखिए सब प्यारा कलर आ रहा है, बनने के बाद भी ऐसे ही प्यारा प्यारा टेस्ट करेगा, बिल्कुल मार्केट वाला फालूदा लगे। इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और कमेंट से बताएं। ये इतना था जितना आपको ये लाइन दिख रही है, हमने थोड़ा सा बना पका पका के इतना कर लिया, जितना आप ज़्यादा बना पकाएंगे तो ये गाढ़े हमारा कमज़ोर होगा, इतना ही हमारा। और देख सकते कितना ज़्यादा ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी देखिए आप, अच्छा खासा ठीक हो गया, ये यहाँ का बिल्कुल यहाँ आ गया है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हमारे देखिए बीच की साफ लाइन हो रही है। तो ये बन चुका है, हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे बेटे की आज बर्थडे है, उसकी खुशी में बना रही हूँ। लाडला बेटा है मेरे का, बहुत ज्यादा नहीं करती, बस थोड़ा बहुत। तो बड़ा तो हो गया, बर्थडे मनाएगा, बड़ा नहीं होना, आपका लाडला है ना, इसीलिए दो। अरे अम्मी की आज लाडले बेटे का बर्थडे जो है, टेस्ट के अनुसार हमारा 1.5 किलो गोश्त और 1.5 किलो चावल भी है, और इसमें अब जाएगा हरी मिर्च। देखो इंडिया में हरी, इंडिया में हरी मिर्च किस में खाती है, आइसक्रीम के डब्बे में जुगाड़ू होते हैं इंडियन लोग, जुगाड़ निकाल लेते हैं हर चीज में, कौन जाएगा बाहर से एक डब्बा लाएगा। चला दूंगी हरी मिर्च डाला, इसमें दही डाल दूंगी और ये रायता मिक्सर में डाल के मैं चला देती हूँ, बहुत जबरदस्त सा बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से।
इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, कुटा हुआ जीरा मेरा, ये डाल दूंगी। जबरदस्त खिला खिला खिले खिले चावल हुए, अब इसमें हम निकाल लेंगे। रंग फूड कलर, फूड कलर बस हल्का सा डालेंगे, ज्यादा नहीं। तो काफी हो गया, गरम मसाला यहाँ हमारा दम चिकन रेडी है, मैं ये डाल दूंगी। तो मसाले वाली बिरयानी जबरदस्त हो बनी है। चावल डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे, चिकन डालेंगे, चिकन होंगे, चिकन डाल दिया। इसमें सिर्फ प्याज डाल करके हमको डालना है। ये थोड़ा सा और डाल दिया मसाला, किसी तरह डाल दीजिए, डाल दूंगी। रेड रेड तैयार हो गया, मैं इसको दम पे रखूंगी, डाल दे रही हूँ रोज वाटर। किस वजह से दम पे जाएगा, अब इसमें बिरयानी से पड़ेगी, बस घी से बघार लगा दे रही हूँ। बिरयानी कहते हैं, मुझे सही नाम है फ्राई की में प्याज ब्राउन है। मजेदार सी यम्मी सी अच्छे लुकिंग बिरयानी तैयार है, और ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है।